हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग गुरु। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अब यहां पर हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में भी। सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उससे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस
इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जो कहने का पास है, सबसे पहले अगर आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लेके, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और भी हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिखते हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो होती है वो मेनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो करता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल में जो कंडक्शन होगा वो किस रेट से होगा रेजिस्टेंस होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के, और अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो रो आता है, और रो क्या है, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, रो एल अपॉन ए, ठीक है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब अभी आपने एक बात पढ़ी कि कंडक्टेंस होता है इनवर्स होता है मतलब और आर के इक्वल होता है, तो रेजिस्टिविटी होगी वो इक्वल होगी और अपन कापा की, तो अगर मैं कापा को तो कापा क्या होगा, वन अपन रो होगा क्या, हाँ यार ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिमुलेशन को और क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वन अपन रो इक्वल्स टू वन अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है। आप वन अपॉन रूट किसके इक्वल था, गामा के, तो इसका मतलब वन अपॉन रूट इक्वल्स टू वन अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है, एल क्या है लेंथ और ए एरिया, तो वन अपॉन आर को मैं गामा के फॉर्म में लिखूंगा, गामा इक्वल्स टू हुआ वन अपॉन आर एल अपॉन ए, ठीक है। ये रिलेशन है आपकी कापा या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की रिलेशन आपकी, ठीक है। अब L है L वन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आर क्या है, आर आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट की, कापा की यूनिट क्या होगी, जरा यूनिट के ऊपर ध्यान दें। तो कापा इज इक्वल्स टू जरा अपन आर की वैल्यू रखो, अपन अपन आर की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन ओम की वैल्यू होगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स एल की वैल्यू हम इसे डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेंगे और एरिया भी सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, तो कापा की वैल्यू क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब
of you who was saving the universe. So, my father, you might not tell you. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा और आगे, इसको रख कर लो प्रॉपर नोट कर लो। अब बात करते हैं एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए को हम लोग बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी नॉट से, ठीक है, ये जी नॉट जो आपकी उसकी एनर्जी वाला जी नॉट नहीं है, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इन कंडीशंस को लगाओगे तो आप देखोगे कि ट्रापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इनटू एल अपॉन ए है, बराबर है, कापा बराबर आती है और बराबर आती से इक्वल कंडक्टेंस, ठीक है, और आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या ले सकते हैं, 1 ml ले सकते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें ये पता पड़ रहा है यानी कंडक्टेंस ऑफ पाइप का सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution is known as specific conductance. ठीक है, यानी अगर मैं आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करूं तो क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ आया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग करेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, कंडक्टेंस इनटू आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी उन आयंस की वजह से कंडक्टेंस जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि 1 ml सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल होता है शायद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बेटा बी एम एल सॉल्यूशन के क्या होगा, कापा इनटू क्यू रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा एम एल, इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसके इक्वल होगी कापा इनटू बी, ठीक है। अब सर ध्यान से देखिए, अगर एन ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1000 एमएल वॉल्यूम चाहिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिए होगा, 1000 अपॉन एन, ठीक है, यानी डीबी वैल्यू कितनी होगी 1000 अपॉन और
वन मोल के लिए जस्ट एज एन एन मोल के लिए जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो 1000 एमएल चाहिए होता है। तो बेटा वन मोल के लिए कितना चाहिए होगा, वन मोल के लिए 1000 अपॉन एन चाहिए होगा, और ये किसके इक्वल है, ये हमारी इनकी वैल्यू। तो अगर मैं मॉडल रिडंडेंसी की बात करूं तो क्या होगा, कापा इनटू 1000 अपॉन एन, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। हाँ, अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, कापा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम यूनिट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोलरिटी की मोल अपॉन में एन इनवर्स, ठीक है। तो अब अगर यूनिट को लिखूं क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, ठीक है। तो हमारे मोलर यूनिट्स में लिख गए कापा इनटू 1000 अपॉन एन और यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम रिलेशन की बात करें क्या नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो मोलरिटी को क्या लिख सकते हो, नॉर्मलिटी अपॉन बैलेंस फैक्टर, ठीक है। क्या इस वैल्यू को, क्या इस वैल्यू को मैं आउट कर दूं, तो लैम्डा एम जो होगा क्या होगा, कापा इनटू 1000 अपॉन एन इनटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। और कापा अपॉन 1000 इनटू एन किससे इक्वल है, इनके इक्वल है लैम्डा इनटू एन के, जिसका मतलब मोलर रिडंडेंसी जो होगी वो इक्वल होगी इक्विवेलेंट रिडंडेंस इनटू बैलेंस फैक्टर। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ आज हमारा कुछ बेसिक टॉपिक खत्म हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ, बोल लॉज लॉ, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सेल पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।